नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस को आगामी 17 सितंबर को शिक्षा पर्व के रूप में मनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक ये पर्व इसी तरह से चलेगा। इस पर्व पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और उनके सम्मान में ये समर्पित रहेगा। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। शिक्षा का मंदिर हमारी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ये शिक्षा का मंदिर है। इसमें आज मेरा आगमन हो रहा है। ये मेरा दूसरा आगमन है। इससे पहले मई 2017 में मैं यहाँ आया था। उस दिन भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था, लगभग 107 करोड़ का। और आज भी ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अथवा शिलान्यास किया है। ऐसे नई परियोजनाएं लगभग 47-48 करोड़ की आज भी हुई है। तो ऐसे जितने प्रोजेक्ट्स नए बनाए गए हैं, इनको चाहे वो नीम का पत्थर रखा गया, चाहे वो उद्घाटन किया गया है, ये केवल इमारत बनाने के लिए नहीं किया गया है। ये हमारे सपनों का मंदिर, वो कैसा हो, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसी बनेंगी, ये उसके लिए शुरुआत की गई है। इसलिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो इस शिक्षा के मंदिर में आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यक्रम किए गए हैं। आज ये जो शिक्षा दिवस है, इसको हम अगले आने वाले दिनों में शिक्षा पर्व के रूप में मनाएंगे, 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। 5 सितंबर की विशेषता हमको मालूम है कि 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो देश के राष्ट्रपति हुए, उनके जन्म दिवस, वो शिक्षक थे, तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस हमने मनाया। आज से शुरू होकर 17 सितंबर तक ये क्यों चलेगा, हमको मालूम होना चाहिए कि 17 सितंबर हमारे इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो ये दोनों ही विशेष दिवस हैं। इस विशेष दिवस के ऊपर हम ये सब कर रहे हैं। और आज की विशेषता एक और भी है। पिछले 1.5 साल से हम लोग अपने सारे शिक्षा सिस्टम को कोरोना के कारण से कैद कर रखा था। हमारी पढ़ाई ये कमरों से, यानी विद्यालय, विश्वविद्यालय के कमरों से, कॉलेज के कमरों से बाहर निकल करके घरों में कमरों में बैठ के हम पढ़ते थे। शिक्षक प्रत्यक्ष नहीं पढ़ा पाता था, ऑनलाइन हम जाकर के पढ़ते थे। लेकिन अभी संयोग ऐसा है कि वो सारा कुछ ठीक होने के दिशा में चल पड़ा है। और मैं समझता हूं कि अब आगे ये कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, वो यदि नहीं आती है, तो एक प्रकार का वो जो हमारा शिक्षा का सिस्टम, वो सारा जो कैद हुआ हुआ था, उसको हम आजाद कर देंगे और सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, स्कूलों में आकर के प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, हम एक दूसरे के साथ बैठ करके ये ज्ञान अर्जन कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे भी आज इसीलिए इतने बड़े खुले कार्यक्रम में बोलने का मौका मिल रहा कि कोरोना एक प्रकार से थोड़ा सा हमको पीछे हटता दिख रहा है और हमको एक राहत की सांस ले रहे हैं। वरना तो सब चीजें, डिस्टेंसिंग करो, बिल्कुल एक दूसरे से छुएंगे नहीं, दूर रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, 50 की गैदरिंग, 20 की गैदरिंग, पता नहीं क्या क्या हमने सिस्टम बना लिया था। लेकिन एक प्राकृतिक ये महामारी, उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं, तो आज से उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने स्कूलों को तो अभी 4th-5th तक खोल दिया है, कॉलेजेस का विचार कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का कि किस दिन से खोलना है। हमारे शिक्षा विभाग के लोग लगातार मीटिंग करके ध्यान करेंगे कि जल्दी ही इन कॉलेजेस को और शिक्षा संस्थानों को हम खोल सकें ताकि सब लोग उसमें पढ़ सकें। शिक्षा के कई आयाम हैं। एक आयाम शिक्षा का शारीरिक शिक्षा भी। उस शारीरिक शिक्षा में भी हरियाणा बहुत आगे है। जैसे हमारे यहाँ खेती में हरियाणा बहुत आगे है। हमारा जो किसान है वो दिन रात मेहनत करके और सबका पेट पालता है। जैसे हमारा जवान है, देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाकर के अपनी जान की परवाह किए बिना वो देश की रक्षा सुरक्षा कहता है, ऐसे ही हमारा पहलवान भी है।
हरियाणा का पहलवान अखाड़े में जा करके और किस प्रकार के खेलों में कितना नाम रोशन करता है, इसके लिए भी मैं आपको विशेष आज एक बधाई और शुभकामना देता हूं कि हरियाणा में इस बार ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरियाणा का भी रिकॉर्ड टूटा, देश का भी रिकॉर्ड टूटा है। पैरा ओलंपिक के तो आज तक, इस साल को छोड़ दें, ये वर्तमान जो खेल चल रहे हैं इनको छोड़ दें, तो इससे पहले सिर्फ 12 मेडल आए थे, सिर्फ 12 मेडल टोटल। और इस बार अकेले पैरा ओलंपिक में पिछले 10 दिन से खेल चल रहे हैं, इन 10 दिनों में अब तक 17 मेडल आ चुके हैं और इन 17 में 6 हरियाणा के हैं, 2 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के हैं, 2 ब्रॉन्ज के हैं। और हमने पैसे की वर्षा इतनी कर रखी है कि इन 6 मेडल का हिसाब लगा लें तो इन 6 मेडल का ही कुल मिला के 25 करोड़ रुपया बरस गया, 23 करोड़ रुपया ओलंपिक में बरसा था। अभी एक आधन का खेल बाकी है और भी कोई मेडल आ सकता है, उसके लिए भी मैं हरियाणा के जनता को, उन खिलाड़ियों को, आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतना ही कहता हूं कि अच्छी शिक्षा यदि आप प्राप्त करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण ये हो पाएगा। और अच्छा समाज का निर्माण करना ये हमारा सबका लक्ष्य है। कभी भी आत्म केंद्रित नहीं बनना, सेल्फ सेंटर्ड, कि मैं अपना भला कर लूं बाकी दुनिया जाए भाड़ में। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए मैं अच्छा नागरिक बनकर के सारे समाज की सेवा करूंगा, समाज का निर्माण करूंगा। और समाज में अच्छे नागरिक कैसे बने, ये हम शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक जहां शिक्षा दे, अच्छे समाज की निर्माण के नाते से अच्छे नागरिक बनाए, उनका विकास कैसे हो, उनको घड़े, उनको एक कुम्हार की तरह अच्छे नागरिक बनाने के अंदर उनका योगदान होना चाहिए। पुनः उन सब शिक्षकों को जिन्होंने हमारा आपका जीवन ये बनाया है, उनको सबको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।